माँ, आज पिताजी के साथ हम दोनों भी रामलीला देखने जाएं। अब बेटा, तुम दोनों कहाँ जाओगे? वो तो मंच के पीछे रामलीला की सारी व्यवस्था में लगे रहते हैं ना। तुम दोनों के जाने से बिना वजह उन्हें परेशानी होगी। अरे नहीं माँ, हम दोनों बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे पिताजी को। हम तो बस देखना चाहते हैं कि रामलीला में मंच के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ माँ, सामने से तो हम कई बार देख चुके हैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। अभी तुम दोनों पढ़ाई करो, चलो। किंचित तुझको पता नहीं है, मुझ जैसा वीर तीनों लोकों में कोई नहीं है। तू ना कुछ कर पाएगा मेरा, काल निकट है निश्चित तेरा। जीवन मृत्यु विधि के हाथ, जीत सुनिश्चित धर्म की आज। बातें तेरी उलट वासी, मैं हूँ दशानन तू वनवासी। हसमत रावण, आज तेरा अंत मेरे ही हाथों होगा। जाओ जल्दी। हमारा रोल आएगा वहां का? जल्दी जाओ, डायलॉग तो याद है ना? हाँ हाँ, एकदम याद है। जय जय श्री राम। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ जो तू भी आ गया, दुष्ट विश्वासघाती विभीषण। बचा न पाएगा स्वयं काल भी तुझको मेरे हाथों से, बाल न बाका कर पाएगा मेरा राम भी अपने बाणों से। प्रभु राम, क्या डायलॉग था यार। डायलॉग भूल गया, अब क्या होगा, यहाँ तो सही से किसी को पढ़ना भी नहीं आता। हे भगवान, बिना विभीषण के राज बताए रावण मरेगा कैसे? अरे बिटिया, ये तुम्हारा काका गागा नहीं है, लंबी लंबी लाइनें हैं। हे प्रभु, ये दुष्ट अधर्मी दशानन रावण ऐसे नहीं मरेगा। हे प्रभु, ये दुष्ट अधर्मी रावण ऐसे नहीं मरेगा। नाभि भेदनी पड़ेगी इसकी, नाभि भेदनी होगी इसकी। अमृत है नाभि में, अमृत है नाभि में इसकी। जय श्री राम। आज अगर राशि बिटिया ना होती तो बड़ी दुविधा हुई जाती। सब डायलॉग तो याद किए थे, पता नहीं कैसे भूल गए। अरे लेकिन बिटियन पढ़ा कैसे? अरे हमार मुन्नू तो इतना कठिन पढ़ी नहीं पाओत। बहु इतना पढ़ा? हाँ बिटिया, मगर पढ़ा कैसे इतना सारा? चाचा जी, हमारी टीचर ने सिखाया है। अरे वाह, बड़ी अच्छी मैडम है तुम्हारी, इतनी जल्दी इतना पढ़ना लिखना सिखा दिया। जी चाचा जी, हमारी टीचर हमें हर रोज घर पर पाठ बोल बोल के पढ़ने को कहती हैं। और दीदी, ये भी तो बताओ, जो तुम पापा के मोबाइल के साथ बोल बोल के पढ़ती हो। अरे तो क्या मोबाइल भी चला लेते हो? हाँ चाचा जी, हमारी टीचर ने सिखाया है और रीड अलोंग ऐप भी मोबाइल पर डलवाया है, उसके साथ साथ पढ़ने को कहती हैं। मोबाइल से तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। अरे वाह, बड़ा अच्छा स्कूल है तुम्हारा। और चाचा जी, क्या आपको पता है, हमारे स्कूल में हर तरफ सुंदर सुंदर चित्र बने हैं। मैडम हमें उनकी कहानियाँ सुनाती भी हैं और दिखाती भी हैं। दिखाती हैं? अच्छा, मोबाइल पे दिखाती होंगी है ना? अरे नहीं चाचा जी, हमारे स्मार्ट क्लास में एक बड़ा सा प्रोजेक्टर है, उसी पर दिखाती हैं।
तो क्या सिनेमा भी है? अरे वाह भाई, क्या बात है, बड़ा काम किया है सरकार। स्कूल में पढ़ाई इतनी अच्छी होती है, सारी सुविधाएं हैं और सिनेमा भी है, तो कोई भला कैसे रोक सकता है बच्चन का डॉक्टर इंजीनियर बनन से। और सोहन भैया, वहाँ स्कूल में तो पुस्तकालय भी है, कोई बता रहा था। कब बिटिया आयशन है का? हाँ चाचा जी, बहुत सारी किताबें हैं हमारे स्कूल की पुस्तकालय में, बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है मैंने वहाँ, और पिताजी रामायण की पूरी कहानी मैंने वहाँ पहले से पढ़ रखी है। अरे तो क्या बिटिया आगे की रामलीला देखने नहीं आओगी? अरे नहीं चाचा जी, क्यों नहीं आऊंगी, कहीं कोई अपनी लाइन फिर से भूल गया तो। तुम तो बड़ी होशियार हो गई हो बिटिया। होशियार नहीं चाचा जी, निपुण बोलिए, निपुण बालिका। और दीदी मैं हूँ निपुण बालक।